हाँ सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। देखें, कॉर्डलेस के स्क्रू ड्राइवर बनाया है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाई टोर के अंदर इसको बनाया था कि हम हेवी से हेवी इसमें नट यूज़ कर सकें और नट को खोल और बंद कर सकें, दोनों तरफ वर्क करेगा। पीछे एक आसान हैंडल बटन दिया है ताकि आप बिल्कुल आसानी से एक फिंगर की तौर पर उसको चला और बंद कर सकें। आइए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट और बहुत अच्छे तरीके से ये को खोलेगा। ये मोटर मैंने थोड़ी स्लो लगाई हुई है, आप चाहें तो हैवी मोटर भी लगा सकते हैं, ज़्यादा आरपीएम वाली। तो फ्रेंड्स, ये मोटर है, गियर मोटर कहलाती है, छोटे साइज़ की। ये आप बड़ी भी ले सकते हैं। ये जो है सेल है, ये एक पीवीसी पाइप है, इलेक्ट्रिक में लगते हैं ये। इसके मैंने पन्नी डाली ताकि आराम से अंदर अंदर जा सके, वरना अंदर नहीं जा रहा था। ये प्लग लगाने के लिए आप ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। सही फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से घिस लेते हैं ताकि यहाँ पे लेवल हो जाए, तो हमें मोटर हमारी यहाँ लगेगी। तो सबसे पहले जो है हम वायरिंग कर लेते हैं, पहले साइज़ चेक कर लेते हैं कि हमें कितना पाइप चाहिए, ये देख लें। सारी चीज़ें हम रख रख के चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ से रखें। थोड़ा आप बड़ी ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें वायरिंग के लिए, जो जंपर वायर है ये हम यूज़ करेंगे। ये 3.7 वोल्ट पर मोटर चलती है, तो जंपर वायर बहुत है। आप बड़ा मोटा वायर नहीं लें भले, वरना वो ज़्यादा मोटा बनता है, इस वजह से मैंने जंपर वायर लिया ताकि पतला बने, क्योंकि मुझे पाइप फिर मुझे मोटा लेना पड़ता। तो ये सबसे पहले दो तार आप मोटर में लगा दें। अब चाहे तो वायर दूसरा भी ले सकते हैं। मैं पीपी जो मेरा पाइप है वो थोड़ा ज़्यादा पतला था, तो वो सेल का भी पन्नी मुझे हटानी पड़ी थी, इसी वजह से मैंने ये जंपर वायर चॉइस करा कि इसी से मैं बनाऊँ। बहुत अच्छी होती है, करंट बहुत अच्छा पास करती है ये। सही, मोटर के तार आप सबसे पहले जो है सेंटर वाले पॉइंट में लगा लेंगे बटन के। कोई सा भी तार किसी भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि हमें सिंगल आगे भी चलाना है और पीछे भी चलाना है मोटर को। तो आप कोई सा भी तार किसी भी लगा सकते हैं। बटन लगाते वक्त आप चेक कर लीजिएगा कि जब आप नीचे की तरफ करें बटन तो वो मोटर टाइट कर रही हो नट को, और ऊपर की तरफ करें तो मोटर को लूज़ कर रही हो, ताकि आपको आसानी रहे। सही है, दोनों पॉइंट पे बीच मोटर के जो पॉइंट है बीच वाले उसमें लगा दिए बटन में। अब ये जो है कोने वाले में एक और तार लेना और क्रॉस करके बिल्कुल कोने वाले में नीचे की तरफ इसको कनेक्ट कर देना है। ये हमारे बैटरी के वायर बनेंगे। इस तरफ से भी आप कोने वाले पे लगे और क्रॉस करके ऊपर वाले कोने वाले की तरफ आप कर दें। जैसे ही बटन पुश आगे पीछे होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बेल्ट उसको मोटर को मिलेगा, तो वो सीधी और उल्टी घूम सकेगी। अब लगा के चेक कर लेते हैं, यहीं पे कोने पे आपको किसी भी कोने पे आप इसको वायर लगा सकते हैं। करंट का देखें, ये अभी घूम रही है, ये उल्टी घूमने लग गई, ये सीधी घूमने लग गई और ये उल्टी घूमने लग गई, यानी हमारी वायरिंग जो है बिल्कुल सही हुई है। किसी भी कोने पे आप दो बैटरी के तार लगा लें जो हमारे जाके बैटरी में या सर्किट में लगेंगे। सही है, हमने लंबे से तार लगा लिए, तो हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। हम इसको हम फिट कर देंगे पाइप के अंदर, बटन को बटन की जगह पे, मोटर को मोटर की जगह पे लगाएंगे। ये नीचे की तरफ निकल गया, ये ऊपर की तरफ मोटर के तार निकल गए, यहाँ पे हम मोटर शोल्ड कर देंगे। ये एक पतले सी मैंने शीट ली है, ये जो है टीन की शीट है, तो इसको मैं बीच में रख के बीच में सुराख कर लिया, और दोनों तरफ जो है इसके जहाँ पे नट टाइट हो रहे हैं मोटर के गियर के, वहाँ पे मैं सुराख कर रहा हूँ ताकि ये ही नट टाइट कर सकें। ये मैंने टीन इसी वजह से लिए ताकि हम मोटर के गियर के जो नट हैं वही हम इसमें अच्छी तरह टाइट कर सकें। ये देखें, ये नट यहाँ पर रख के और ये मोटर में जाके टाइट हो जाएंगे, और भी एल्फी से भी जोड़ दूंगा मैं। सही फ्रेंड्स, तो ये रख के एलपी से जोड़ दिया, और बकाया का जो भी हिस्सा है वो हम कैंची से कट कर लेते हैं ताकि हमें राउंड शेप मिल जाए आगे की तरफ से। सही फ्रेंड्स, ये लग चुका है हमारी मोटर, इसको मैंने एलपी से भी जोड़ दिया था और ग्लू गन से भी मैंने इसको टाइट कर दिया। तो बैटरी के जो दो तार आ रहे हैं, मोटर से जो दो तार आ रहे हैं, वो मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि वो आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले जो है ये जो सर्किट है, पावर बैंक का सर्किट मैंने ले लिया था, सस्ता मिलता है ये सर्किट आप देख लें। जो वहाँ से जो दो तार आ रहे हैं वो मैंने बटन में लगाया, और दूसरा तार जो है डायरेक्ट मैंने
प्लस में लगा दिया, माइनस का लगातार बटन से लेके और फिर माइनस में लगाया ताकि बटन हम पुश करें तो हमारी मोटर चले, और बैटरी का प्लस माइनस सिंपल सर्किट के प्लस माइनस पे लगा दिया। अब जैसे ही हम ऊपर से फिंगर से जो मोटर टच करेंगे तो हमारी मोटर चलने लग जाएगी। ये मैंने टेप लगा लिया लेकिन ये अंदर गया नहीं, इस वजह से ये मैंने टेप वापस उतार दूँगा। इसी वजह से मैंने इसका पेपर भी हटाया क्योंकि जा ही नहीं रहा था, ये पाइप मेरा थोड़ा छोटा था तो उसको अंदर डाल के और सब कुछ फिक्स कर देंगे। अंदर जो है सेल पे भी हम ग्लू गन लगा देंगे और यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा देंगे। सही, ये बटन की जो पॉइंट है दोनों सर्किट के बीच में देंगे, चाहे तो आप टेप भी लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे करके अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। देखें फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अभी हम बटन जैसे ही दबा रहे हैं तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, ये देख लें। ये मोटर जो है मैंने 50 RPM की, मेरे पास गलती से आ गई थी, मैंने 300 वाली ऑर्डर करी थी लेकिन उसने 50 वाली मुझे सेंड कर दी Draaz.com पे, तो इस वजह से आप चाहें तो 300 वाली भी लगा सकते हैं। कम से कम आप 150 RPM मोटर यूज़ करें, 3.7 वोल्ट, और 150 150 RPM मोटर आप यूज़ करें तो आपका जो है वो टाइट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। ये थोड़ी स्लो चल रही है, मैंने रिटर्न करवाने के लिए दे दी है, ये चेंज आ जाएगी तो मैं ऐसे कैसी मोटर वाली जगह पर मोटर चेंज कर लूँगा। टोर बहुत अच्छा है इसका और बहुत अच्छा टाइट नट, बहुत अच्छी तरीके से टाइट करती है ये नट को, और टोर इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत यूज़फुल चीज़ है। हैवी से हैवी नट जो है आपका आराम से खोल देगी। इतनी ख़तरनाक मोटर है कि मैं हाथ से रोकना चाह रहा था तो ये मोटर रुक नहीं पा रही थी। बस RPM थोड़े ज़्यादा ले लीजिएगा, कम से कम 150 RPM और ज़्यादा से ज़्यादा 300 RPM आप ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा RPM मत लीजिएगा क्योंकि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वैसे ऊपर इजीली बटन लगाए जो फिंगर की मदद से आपका बटन बिल्कुल इजीली चलेगा। कुछ लोग जो है थम पे लगाते हैं बटन को तो वो थम की वजह से ग्रिप सही नहीं आ पाती, तो हम ग्रिप बिल्कुल सही कर सकेंगे और ऊपर की तरफ एक फिंगर रखेंगे जिससे हम इसको चला सकें। मुझे मोबाइल के काम के लिए लेनी थी, इस वजह से मैंने इसको ईजी टू यूज़ बनाई है ताकि मैं मोबाइल की तरह से ही इसको यूज़ कर सकूँ। सही फ्रेंड्स, सिंपल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बना के दिखा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।